अररिया के फारबिसगंज में राजद नेता युवराज यदुवंशी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना में हुए लाठी चार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। राजद नेता का कहना है कि नीतीश सरकार आवाम के आवाज को दबाने के लिए जो नीच काम कर रहे हैं वो बिहार के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। इसके साथ ही नेता ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे कलंकित मुख्यमंत्री में अपना नाम अंकित करवा चुके हैं। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार में हो रहे लूट, हत्या और शिक्षक अभिव्यक्ति सम्यकता जैसे जन सरोकार के मामले को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा था, और इस मौके पर नीतीश कुमार ने पूरे तानाशाही रवैया अपना कर जिस तरीका से राजद के कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर, वर्तमान विधायक पर, नेता प्रतिपक्ष पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया गया करवाया है, इससे साफ तौर पर यह तय है कि नीतीश कुमार जो है सत्ता के मोह में वो सारे चीज़ भूल चुके हैं और नीतीश कुमार का जाना बिहार से तय है, और ये कल का जो दिन था वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।